Hi friends, guys, I hope everything is fine. Welcome to Drone Tech Doctor once again. This is the first Indian drone channel where we give information about drones. If you are new to the channel, please subscribe if you love drones and you love drone flying. Or in future, yes, drone legal ho chuka hai, soon everywhere you will fly drones in India too. तो अगर आप drone enthusiast हैं, drones को पसंद करते हैं, तो please subscribe our channel. तो जैसे आपने आज टाइटल पढ़ लिया, बड़ा ही तड़कता लगता टाइटल है और जो लीक आई है काफ़ी अच्छे सोर्सेज से आई है और मैं भी मानता था कि ये हो सकता है और ये होने वाला है. यस फ्रेंड्स, ये था मैविक एयर और इसका बड़ा भाई मैविक 2 लॉन्च होने की लीक आ रही है. फैंटम 5 भी, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियोस पहले कि फैंटम 5 का भी रिलीज होना है, तो काफ़ी लोग कह रहे थे फैंटम खत्म हो गया, बट देर आर मैनी पीपल हु आर थिंकिंग एंड देर आर लीक्स विच सेड दैट फैंटम विल कम एंड आई एम ऑल्सो इन दैट फेवर कि यस फैंटम 5 विल कम. लेकिन आज की हम वीडियो बात करेंगे मैविक एयर के बारे में, जो कि मैविक एयर 2 आने वाला है. वैसे दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन फॉर अ मीडियोकर और जिसको एक प्रोफेशनल फुटेज 4K फुटेज चाहिए और कॉम्पैक्ट साइज में फोल्डेबल और जिसमें आपको फ्रेम्स को घटाने बढ़ाने की ऑप्शन मिले, 120 फ्रेम पर सेकेंड तक ये रिकॉर्ड कर लेता है एंड नॉट बैड फ्लाइट टाइम 18-19 मिनट का आपको मिलता है अगर आप अच्छे से उड़ाते हैं. तो काफ़ी कुछ था इसमें जो कि हमें सेटिस्फाई करता है एट द मिडिल रेंज, लेकिन इसमें कुछ एक दो कमियां मुझे भी लगती थी और वो कमियां आने वाले मैविक 2 में पूरी होने वाली हैं. तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें और आने वाले मैविक 2 में होगा सेम और क्या क्या नई चीज़ें जो इसमें मिसिंग थी और जो सब चाहते हैं इंक्लूडिंग मी वो मैविक 2 में देखने को मिल सकती हैं. मैविक 2 एयर इज ऑलमोस्ट 99% कंफर्म कि वो रिलीज होने जा रहा है. फैंटम 5 का अभी डाइसी है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि फैंटम 5 रिलीज होगा, लेकिन मैविक 2 विल डेफिनेटली कम बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल लॉन्च बाय DJI, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला कस्टमर्स की तरफ से. क्यों तो सबसे बढ़िया इसमें था फॉर्म फैक्टर, जो ये फोल्डेबल फॉर्म आती थी इसकी, ये फैक्टर चेंज नहीं होगा मैविक 2 में, क्योंकि इससे बढ़िया फॉर्म आप सोच ही नहीं सकते. इस पूरे फॉर्म फैक्टर में सिर्फ एक चीज़ मैविक 2 में चेंज होगी, वो होंगी प्रोपेलर्स. डेफिनेटली प्रोपेलर्स चेंज होंगे और वो साइलेंट प्रोपेलर्स लगाए जाएंगे, जिससे इसकी थोड़ी जो साउंड आती है वो काफ़ी, जैसे मैविक 2 प्रो में प्रोपेलर्स आए हैं काफ़ी साइलेंट है, वैसे प्रोपेलर्स मैविक 2 में आने की संभावना है. नंबर 2 चेंज इसमें जो आएगा, बाकी सब कॉम्पैक्ट फोल्डेबल ऐसे ही रहेगा, इसी साइज़ में रहेगा, क्योंकि ये साइज़ काफ़ी जगह काफ़ी तादाद में पसंद किया गया और इसको देखे काफ़ी लोगों ने ऐसे डिज़ाइन अडेप्ट किए हैं. तो डिज़ाइन ये सेम रहेगा, सिर्फ डिज़ाइन में एक चीज़ होगी प्रोपेलर्स, जो कि साइलेंट बनाए जाएंगे. नंबर 2 बिग चेंज जो मैं भी चाहता हूँ इसमें हो, जिसकी वजह से इसको इसके जो कॉन्स में गिना जाता है वो है कि दिस इज़ वाईफाई ड्रोन. अब हम चाहते हैं कि ऑक्यूसिंग टेक्नोलॉजी मैविक एयर में दी जाए. ऑक्यूसिंग, अगर आपको नहीं पता, इट इज़ अ रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी है DJI की तरफ से, जिससे रिमोट और ड्रोन के बीच में जो लिंक बना रहता है, सिग्नल बना रहता है, कभी भी नहीं टूटता, चाहे आप उसको 7-8 किलोमीटर तक ले जाएँ क्यों ना, और जैसे मर्जी एनवायरमेंट में आप उसे उड़ा रहे हो. ये प्रॉब्लम इसमें देखी जाती है, अगर आप इसको 1-1.5 किलोमीटर के आगे ले जाते हैं तो सिग्नल कटता है इसमें, तो एक आपको रहता है, डर रहता है, इससे आप अपने बिंदास नहीं उड़ा पाते. वो बिंदास हम उड़ाना चाहते हैं मैविक एयर में, वो तभी उड़ा पाएंगे जब इसमें ऑक्यूसिंक आएगा. तो आने वाले मैविक 2 में फ्रेंड्स ऑक्यूसिंक ज़रूर आएगा, ये पूरी मेरे सबसे बड़ी अपडेट मैविक 2 में होगी, दैट इट विल कम विद ऑक्यूसिंक टेक्नोलॉजी फॉर द लिंकिंग एंड इफ इट कम्स देन इट्स रेंज विल ऑल्सो इंक्रीज. नंबर 1 इंपॉर्टेंट अपडेट इन मैविक 2, पहला प्रोपेलर चेंज, फिर मेन अपडेट है मैविक इसके ऑक्यूसिंग टेक्नोलॉजी, वाईफाई ड्रोन नहीं रहेगा, और तीसरा बहुत ही ज़बरदस्त जो इसमें चेंज आएगा वो आएगा इसका कैमरे में. वैसे इसका कैमरा ठीक ठाक है, लेकिन इसमें और इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी, जूम का ज़्यादा न्यूज़ में है कि जूम 2 का कैमरा इसमें लगाया जाएगा ताकि आपको जूम करने की ऑप्शन मिले, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि हैसलबैल्ट का कैमरा भी लग सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम है क्योंकि हैसलबैल्ट का अगर कैमरा लग गया तो इसका प्राइस काफ़ी
जंप कर जाएगा। तो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हैसलबैड का कैमरे की उम्मीद कम है, लेकिन लेकिन जूम टू का कैमरे की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि मैविक टू एयर में जूम टू का कैमरा लगेगा, जिसमें जूम करने की ऑप्शन आपको मिलेगी, और वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा मैविक एयर जैसे ड्रोन के लिए। तो ये थी दूसरी बड़ी अपडेट इसके कैमरा में, बाकी इसमें सब कुछ है यही जो चीज। और तीसरी बड़ी अपडेट हम जो चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, बैटरी बैकअप। तो हो सकता है इसकी बैटरी के डिज़ाइन में चेंज करके थोड़ी सी बड़ी बैटरी इसको प्रोवाइड की जाए, और थोड़ी सी एनर्जी मतलब इसका एफिशिएंट करके, और ज़्यादा एफिशिएंट करके हमें फ्लाइट टाइम थोड़ा इंक्रीज्ड मैविक टू एयर में मिलेगा। तो ये तीन अपडेट्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड है मैविक एयर टू में, जो कि आने वाला है सून। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एंड डेफिनेटली जब भी रिलीज होगा हम आपको अपडेट देंगे, और हो सकता है वी अपग्रेड टू मैविक एयर टू बिकॉज इट इज़ नीड ऑफ एवरीबडी हु इज़ हैविंग एयर, बिकॉज ये ऐसे प्राइस पॉइंट पे सेट करता है जहाँ पर काफ़ी अच्छी कस्टमर गेन करता है, और उन सभी कस्टमर्स को ये दो तीन प्रॉब्लम्स मैविक एयर में लगती हैं कि बैटरी बैकअप थोड़ा इंप्रूव हो जाए, इम्प्रूव कनेक्शन मिल जाए, वाईफाई को छोड़ के ऑक्यूसिंक वाला कनेक्शन मिल जाए, और तीसरा थोड़ा कैमरा और इम्प्रूव हो जाए, और ये तीनों चीज़ें आई थिंक सो मैविक एयर टू में आपको मिलेंगी। तो ये था लीक फ्रॉम वेरी कंफर्म सोर्सेज, और होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, एंड लेट्स सी कब आपको देखने को मिलता है मैविक एयर टू। कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, एंड थैंक यू, जय माता दी। होप आपको पसंद आएगा वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट लिखिए आप क्या सोचते हैं मैविक टू एयर के बारे में। और एंड स्क्रीन चालू हो चुकी है, तो आपको यहाँ फैंटम फाइव का भी वीडियो मिलेगा, अगर जो देखना चाहते हैं कि फैंटम फाइव की क्या लीक्स हैं तो वो जान सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।